हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु अमंग द फॉलोइंग पियोनीर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया। 19th सेंचुरी में ये जो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स शुरू हुए थे, तो ये किसने शुरू करे थे? ये शुरू करे थे राजा राम मोहन रॉय जी ने। और ये जो मूवमेंट शुरू किए गए थे, ये मूवमेंट थे आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, सती प्रथा जो उस टाइम पे चल रही थी उसके अगेंस्ट थे, पर्दा सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये जितने भी सोशल इवल्स उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्टेड। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स किस एरिया से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुए थे बंगाल से, बंगाल में कैलकटा से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। कौन से ईयर में स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट में? तो ये पार्टिसिपेट करा था 1893 में। 11th सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था। कहाँ पे दिया था? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था शिकागो में। नेक्स्ट, द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने। कहाँ पे ये फाउंड करी गई थी? ये फाउंड करी थी अलीगढ़ में। साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने, कहाँ पे? अलीगढ़ में। तो इनका मेन एम क्या था? इनका एम था जो वेस्टर्न वर्क्स है, आर्ट एंड साइंस का जो वेस्टर्न है वर्क है, इसको वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट है या साइंस के सब्जेक्ट है उसको वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, और साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की भी इन्होंने बात बोली थी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग्स हैड सेंट राजा राममोहन रॉय एज हिज एनवॉय टू लंदन। तो राजा राममोहन रॉय जी को लंदन कौन से मुगल किंग ने भेजा था? तो वो थे अकबर टू। अकबर टू ने भेजा था। कहाँ पे, किसकी कोर्ट में भेजा था राजा राममोहन रॉय जी को? राजा राममोहन रॉय जी को भेजा गया था सेंट जेम्स की कोर्ट में। सेंट जेम्स की कोर्ट में इनको भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियंस के साथ ट्रीट कर रही थी उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए राजा राम मोहन राय जी को लंदन भेजा गया था। नेक्स्ट, विच वॉज कॉमन अमंग ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। तीनों के बीच में कॉमन क्या है? एक तो तीनों में ही कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, पॉलिटिक्स को लेकर तीनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी, कोई भी पॉलिटिकल मिशन से ये रिलेटेड तीनों के तीनों ही नहीं थे। लेकिन ये पैट्रियटिज्म को प्रमोट करते थे, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को ये प्रमोट करते थे तीनों के तीनों समाज ही, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नन ऑफ दीज थ्री हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। फर्स्ट है, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म का मतलब होता है वन गॉड। ब्रह्मो समाज मोनोथिज्म को प्रमोट करता था। ब्रह्मो समाज के अकॉर्डिंग सिर्फ एक गॉड है जिसको कि हमने प्रीच करना है, भगवान सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली। सेकेंड, आर्य समाज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एजुकेशन। आर्य समाज एजुकेशन की डिवेलपमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा था, उसको उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था आर्य समाज, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 and 3 आर ट्रू। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग। कब फाउंड करा था इन्होंने प्रार्थना समाज? 1867 में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ
एक गॉड में बिलीव करें, भगवान सिर्फ एक है जिसमें हमने बिलीव करना है, जिसको हमने मानना है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द अकाली मूवमेंट स्टार्ट। अकाली मूवमेंट शुरू हुई थी दिसंबर 1920 में। और किसने शुरू करी थी अकाली मूवमेंट? अकाली मूवमेंट शुरू करी थी अकाली दल ने। कहाँ पे शुरू करी गई थी? ये शुरू करी गई थी अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में, राइट। अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब होता है टाइमलेस। अकाली मूवमेंट में वर्ड आता है अकाल, अकाल का मतलब होता है टाइमलेस। नेक्स्ट है, हु वॉज द इंस्पिरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट को इंस्पायर कौन कर रहा था? तो वो थे हेनरी विवियन ड्रोजियो। हेनरी विवियन ड्रोजियो ये 19th सेंचुरी के एक हिंदी पोएट थे। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, द अकेडमिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय? अकेडमिक एसोसिएशन हेनरी विवियन ड्रोजियो ने फाउंड करी थी जब वो हिंदू कॉलेज के टीचर थे। नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड रीजनरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम इन 19th सेंचुरी? हिंदू इंडियन मुस्लिम की रीजनरेशन की शुरुआत किसने करी थी? तो वो करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने। 19th सेंचुरी में इंडियन मुस्लिम की रीजनरेशन की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे, इनको लगता था कि जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनली, सोशली और कल्चरली बैकवर्ड है, तो इनको आगे लाने की ज़रूरत है, इसीलिए इनकी रीजनरेशन जो थी वो शुरू करी गई थी। नेक्स्ट है, हु वॉज टीटू मीर? टीटू मीर कौन थे? ये वहाबी मूवमेंट के लीडर थे। ये जो वहाबी मूवमेंट है ये फाउंड करी थी रायबरेली के सैयद अहमद ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर शोम प्रकाश? शोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने शुरू करा था? तो ये शुरू करा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1859 में। और ये जो शोम प्रकाश न्यूज़पेपर है ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली पेपर था। और जो इंडिगो मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था, इंडिगो मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन के लिए ये वाला जो न्यूज़पेपर है ये काफ़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये इंडिगो मूवमेंट के लिए फेमस है ये वाला न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथुने स्कूल एट कैलकाटा विद द एम ऑफ इनकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जे एन बोस, और इसके साथ थे एक जे एन बोस, ये दोनों जो थे ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। 1858 के टाइम पे इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, और ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है, केशव चंद्र सेन्स कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ टू बैन सती बाय द देन गवर्नर जनरल। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। केशव चंद्र सेन नहीं आएगा यहाँ पे, नाम आएगा राजा राम मोहन रॉय जी का, राइट, राजा राम मोहन रॉय। तो इसलिए जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2, ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बाहुबिबा? बाहुबिबा जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे। इसके अलावा इन्होंने हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो 1856 था का था उसमें भी कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट है, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा? जो कैलकाटा का हिंदू कॉलेज है ये इस्टैब्लिश हुआ था 1817 में। किसने इस्टैब्लिश करा था? डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ एंड राजा राम मोहन रॉय, इन तीनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज इस्टैब्लिश करा था 1817 में कैलकाटा में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
Next day, during Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? National Social Conference क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो Indian National Congress थी, उसमें social reforms की बात नहीं include करी गई थी. Social reforms के लिए National Social Conference बनाई गई थी. इसके लिए एक separate body बनाने की बात हुई थी, जिसका नाम था National Social Conference. तो answer आ जाएगा option B. Next, which of the following statement is are correct regarding Brahmo Samaj? It opposed idolatry, idol worship को ये oppose करता था, बिल्कुल सही statement है. It denied the need for priestly class to interpret the religious text. अब religious text के लिए किसी priestly class की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो Brahmo Samaj था, ये caste system के against था. तो second वाली statement भी right है, ठीक है, right statement है second वाली भी. तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. थर्ड क्या है? इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिबल. वेदास के रिगार्डिंग ऐसा इसमें कोई ज्यादा जो है मेंशन नहीं है. तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.